आप तो छोटे छोटे लंबे हो ना, और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। मजा आ गया ना के यार, है नहीं है कुछ भी, खुला छोड़ रहा है, खुला खुला। ये इनका गेस्ट हाउस है, वे ही अपनी प्रॉपर्टी, ये एक मोनेस्ट्री, ये रही पीछे, लगभग लगभग 1050 साल पुरानी, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? दिल से बता रहा हूँ, बिल्कुल दिल से, अंदर से आवाज आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं पक्के वाला रिकमेंड करता हूँ मेरे भाई। सो गाइज वेलकम अगेन टू माई नेक्स्ट व्लॉग, आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोबारा से, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हों। हम हैं इस वक्त ताबू में, और ताबू में मैंने लास्ट व्लॉग में बताया आपको कि कैसी है मोनेस्ट्री, पर अंदर जाना नहीं हुआ, आपको हल्की सी विजिट बाइक पे कराने वाला हूँ, क्योंकि अब आगे निकलने वाले हैं हम ऊपर पिंक वैली की तरफ, सिजलिंग विलेज की तरफ, और भी बहुत सारी जगह हैं देखने की, और रस्ते में केव्स भी पड़ने वाली हैं। कोशिश करूँगा ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें घुमाने की, दिखाने की। ताबू में अगर आप आ रहे हो तो स्टे करना बनता है, और मैंने आपको प्रॉपर्टी भी रिकमेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये मेन चौक है यहाँ का, ये है न्यू वैली मोनेस्ट्री, और एंट्री उधर से भी है, शॉप्स वगैरह बनी हुई है ऑलमोस्ट, यहाँ 64 घर हैं, और सब में ही आपको होम से मिल जाएगा। और ये आगे हेलीपैड पोर्शन है, पहाड़ देखो, खूबसूरती देखो यार, क्या ही मजेदार है यार। ये हेलीपैड के लिए है, जब मोदी जी वगैरह या कोई और नेता आता तो भैया ये उनके लिए, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यार, देख रहे हो वो सामने केव्स हैं सारी, अभी जाएंगे केव्स की तरफ, फटाफट आपको दिखाता हूँ यहाँ। ये काफ़ी बड़ी एक दुकान है, आपको काफ़ी सारा सामान यहाँ मिल जाएगा शॉपिंग शॉपिंग के लिए मेरे ख्याल से ये। और ये मोनेस्ट्री है नई वाली, और ये पुरानी मोनेस्ट्री है, और ये काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, मैंने जब देखी हैं 2-3 शॉप्स हैं, ये इनका गेस्ट हाउस है मोनेस्ट्री वालों का। तो बस ये छोटा सा विलेज था, और ये मैं टूर कराते हुए अब निकल रहे हैं आगे की तरफ, बस ये बारिश बंद हो जाए यही उम्मीद करूँगा, नहीं बंद होगी तो भैया समेटना पड़ेगा सब कुछ। ये छोटा सा विलेज चारों तरफ से बाउंड्री से बंद था, बैंक वगैरह है, ATM वगैरह है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, रिकमेंडेड है, मैं दोबारा बोलूँगा आप आ रहे हो ताबू तो भैया ज़रूर ज़रूर स्टे करना। और ये बाहर आपको दुकानें मिल जाएंगी रिपेयरिंग वगैरह की, बाइक गाड़ी टायर पंचर वगैरह की, ये है ताबू। और ये रास्ता जाता है मनाली स्पीति की तरफ, काजा की तरफ, तो हम इस रास्ते चल रहे हैं आगे। तो जय माता दी, जय शनिदेव, सफ़र हमारा दोबारा स्टार्ट हो गया है, धूप निकली हुई है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, क्या ही कहें और क्या ना कहें, पर ये कि बारिश यहाँ ऐसी रिमझिम रिमझिम होती है, अभी तक तो मैंने ऐसी देखी है, तेज़ बारिश नहीं देखी यार। तो मैं रिकमेंड करूँगा अंदर की तरफ ही लेना, होम स्टे बाहर मत लेना यार, अराउंड 60-65 घर हैं, 400-500 के लोगों की पॉपुलेशन है, छोटा सा विलेज है, प्यारा सा, फैसिलिटी सारी है, देखो कितना बढ़िया बना हुआ यार, बहुत ही प्यारा लगा यार, बहुत ही प्यारा, बस ये कि डॉन उड़ाने नहीं दिया इन्होंने। तो भैया हम जा रहे हैं केव की तरफ, अंकल ने बताया, पर ऊपर से व्यू भी बहुत प्यारा आने वाला, बाइक मैंने नीचे खड़ी कर दी है, थोड़ा सा चल के आना पड़ेगा ऊपर, ज़्यादा चल के आना पड़ेगा मुझे लगता है, और केव्स के अंदर अलाउ नहीं है, केव्स बहुत ही पुरानी है, कहाँ जाना है, तुम सेब के बगीचे आ गए, वो कच्चा रास्ता यार, यहाँ से कैसे जाऊँगा भाई, सच बताऊँ मेरे से नहीं जाया जा रहा है, ये देखो केव्स हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो जाएगी। बेसिकली केव्स में क्या है, जो उस टाइम पे बुद्धा वगैरह थे प्रेयर करते थे, और वो और भी हज़ारों साल पुरानी केव्स हैं, तो फिलहाल मैं नहीं जा रहा ऊपर, नेचर देख लो, खूबसूरती देख लो यार, जो खूबसूरती है ये देखो, सेब होगी, एक सेब ले लो अंकल, यार एक सेब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेब तोड़ते हैं, एक अच्छा था, वो फ्रेश सेब, अब इसको पानी धोते हैं और खाते हैं, और ये पानी साफ ही है, यहीं धो लेंगे हम तो, हाँ यस, फ्रेश तोड़ा हुआ लाल लाल सेब, मज़ा आ गया। अंदर ऊपर जाने का तो रास्ता ही नहीं था, तो भैया चलते हैं आगे निकलते हैं, कुछ ना होने से बढ़िया है सेब मिल गया, ऊपर रास्ता जंगल सा था, मैं कहाँ निकल के जाएंगे कैसे जाएंगे, पर कहने वाला है ऊपर केव्स हैं, बहुत ही शानदार है, बहुत ही पुरानी है, अगर थोड़ा सा ट्रैक और एडवेंचर करना आप ऊपर जा सकते हो। फिलहाल हम चलेंगे और जगह कवर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए, बहुत कुछ है, स्नो लेपर्ड वगैरह जहाँ मिलते हैं वो जगह है, आपको दिखाता हूँ, और थोड़ी धूप निकल आई है करारी सी, पर फटाफट सेब खाते हैं निकलते हैं यहाँ से। ये पत्थर देख रहे हो जो हवा में लटके हुए हैं, कभी भी नीचे आ सकते हैं। सबसे पहले फार्मिंग है जिसमें सेब मटर उगाए जाते हैं, उसके अलावा यहाँ पे इनके लोगों की जॉब्स हैं, और इन्होंने होम स्टे भी बना रखे हैं, छोटे छोटे गांव हैं, रास्ते देख लो, खूबसूरती नज़ारे अल्टीमेट, और सबसे बेहतरीन मुझे ताबू जो मोनेस्ट्री थी
वो लोग ही यार, मुझे लगा पहले क्या ही अंदर जाना है यार, क्या ही देखना है, अंदर शूट तो करने देंगे नहीं, पर यार सच्ची बता रहा हूँ अंदर से कुछ और ही फीलिंग आई। एक मिनिस्ट्री और बता रहे हैं अंदर आगे, और वहाँ भी चलेंगे, देख के आते हैं और आगे निकलते हैं अपने सफर की तरफ। टाइम हो चुका है 12:15 हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बी केयरफुल अगर आप आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तेज हवाओं चलने की वजह से ये पहाड़ में से पत्थर खिसक खिसक के गिरते रहते हैं, तो ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। भैया यह सिजलिंग विलेज के लिए रास्ता कहाँ से कटता है? यही रास्ता सिजलिंग के लिए। और सेब बेचे जा रहे हैं, कितने रुपये किलो है? 100 रुपीज़ केजी है। अरे यार आ जा भाई, कहाँ खड़ा करा दिया। भाई इसने कहा तू निकल ले पहले साइड से। वो देखो सामने पहाड़ कैसे हैं, अलग ही तरह के पहाड़ है, अलग ही तरह की खूबसूरती है यार, अलग ही नेचर है, ऐसा लगा अलग ही दुनिया में आ गए यार। सिजलिंग विलेज के लिए कहाँ जाना है? कितना ही खूबसूरत लग रहा है, लोग इतने प्यारे हैं, देख के लगते हैं फॉरेन के, बात करो तो हिंदी बोलते हैं। देख रहे हो, अरे वाह, आई लव यू इंडिया, मजा आ गया मजा। क्या नाम है इसका? पोह विलेज। अच्छी बात है हर विलेज के उसमें बोर्ड लगा हुआ है कि लोगों को पूछना ना पड़े, पर लोगों से पूछने का मजा कुछ और है। छोटा सा विलेज है, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे विलेज आ रहे हैं जिसमें 10-15-20-50 मकान होते हैं, कुछ कुछ लोग रहते हैं, बढ़िया यार, अच्छी सी वाइब्रेशंस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव से। और यहाँ पे धनकर हिडन लेक है, धनकर देखते हैं शायद जाना हो अपना। मेरी जैकेट तो उड़ गई हवा में, शक्तिमान। ऊपर से अभी ना मेरी बाइक का जो ब्रेक है, पता नहीं हिमालयन में ये इशू है क्या है मुझे नहीं मालूम, पूछना पड़ेगा जाकर, दिल्ली पूछूंगा। एकदम उतराई है और साथ में कुछ है नहीं, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा रफ्तार ली और ये जो कंकर पंकर से दिख रहे हैं ना, ये बाइक को स्लिप करने के पूरे पूरे चांसेस देती है, समझ रहे हो। पर कहने मतलब ये कि जो ये पैच है ये थोड़ा लंबा है, ध्यान रखना, अभी तक तो दिख ही रहा है मुझे। और हल्की हल्की टिप टिप बारिश भी हो रही है यार, कह रहे थे इस साइड ज़्यादा बारिश नहीं होती। अरे क्यों हो रही है भाई, पहाड़ देखना कैसा यार, अजीब सा डरावना सा, छेदम छेद काला सा भुसंड सा, देख रहे हो, भागे 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 भागे, ये हिरन दिखा, क्या ही बात है, ये बात, वाह मजा आ गया। पता चला स्नो लेपर्ड भी दिख जाएगा। मुझे ना उन पहाड़ों को देखकर डर लग रहा है कि ऊपर से कुछ स्लाइड ना आ जाए यार नीचे, देख रहे हो, कहीं से छोटा मोटा कंकर पत्थर भी वैसे कंकर गाय का होगा, ये तो हमारा सर ही फोड़ देगा। और ये रास्ता पूरा ही ऐसा यार, भाई ये क्या है, माने ये कौन सी जगह है, कोई बताने वाला है कि यहाँ है क्या? वाह मज़ेदार यार, ब्यूटीफुल। आगे लोगों से पूछते हैं अब ये क्या है, लंगजा स्पेस्चर स्पीति वैली, कुछ लोग भी बैठे हैं इनसे पूछते हैं। ब्रदर आपको पता है ये सिजलिंग विलेज किधर है? यही है, ठीक है। बच्चा कितने साल का है छोटा सा? 1 साल का है। गुड़िया टॉफी खाओगी गाय के लिए? आप सिजलिंग विलेज से हो, वेलकम। देखो जी कितना प्यारा छोटा छोटा विलेज है, खूबसूरत वैली के अंदर है यार, मन करे तो यहाँ भी रुक जाओ, लाइट वाइट सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत मजेदार यार। मोदी जी यहाँ भी दिख गए, वाह मोदी जी वाह। ये धनकर वैली से होते हुए जाता है काजा की वैली तरफ, तो हम ऊपर से चलते हैं व्यू पॉइंट लेते हुए, नज़ारे लेते हुए।
पूरी वैली है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ी यार। मतलब जब पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता होगा, शायद बहुत ज़्यादा पानी होता होगा, पर मुझे समझ आया इन बिटवीन कैसे घर क्यों बने हुए हैं। पर जो भी कह लो यार, मतलब अलग ही लेवल है। तो उड़ाते हैं ड्रोन। उम्मीद करता हूं आपको ड्रोन शॉट अच्छे लगे हैं, तो भैया लाइक मार देना और शेयर करो भैया इतनी खूबसूरत जगह को। आपको एक्सप्लोर करा रहा हूं भैया घर बैठे बैठे, तो इतना तो बनता है यार, फ्री की सपोर्ट तो बनती है यार, इतना तो कर ही सकते हैं भाई के लिए। बाकी बात करनी हो, पूछना हो तो डेफिनेटली मेरे से बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो फटाफट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो सब बढ़िया है, रास्ता यहाँ से थोड़ा साफ है। अब जा रहे हैं ऊपर हम धनकर लेक और पिंक वैली की तरफ, तो फटाफट चल रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा हमारा रहता है काजा का सफर, यहाँ से 6 किलोमीटर रह गए हार्डली, धनकर मोनेस्ट्री और लेक। वो देखो वो ऊपर नजर आ गई, वाह 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 वाह। फर्स्ट टाइम में ही मैं अपनी बाइक लेके निकल गया हूँ सोलो राइड पे, वो भी रिमोट एरिया की तरफ। रिमोट एरिया यानी टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, कनेक्टिविटी लोगों की बहुत कम है यहाँ पे, पर जो नज़ारे हैं, ब्यूटी है, वो अलग ही लेवल की है। जैसे कि आपको पता चल रहा है मोनेस्ट्रीज हैं, तो यहाँ पे लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं। उसके अलावा यहाँ के लोग, मैंने देखा भी मोनेस्ट्री के अंदर गणेश जी की मूर्ति भी पड़ी थी, तो गणेश जी को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं भैया, ये आपको बता दूँ। तो आप जगह जगह देखोगे बौद्ध धर्म, अगर वियतनाम हो, बैंकॉक हो, आपका मलेशिया हो, काफ़ी जगहों पर बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत मंदिर है वहाँ पर। पर जो एक्चुअल ओल्ड मोनेस्ट्रीज, ओल्ड टेम्पल, ओल्ड सब चीज़ें हैं, वो सब इंडिया की तरफ ज़्यादा है। बाइक गिर गई है, पानी बोतल हो गई। हाँ, अकेले बंदे का बाइक उठाना नहीं मुश्किल हो रहा है। कैसे उठाऊं? हो तेल निकाल दिया इस बाइक ने, मोड़ पे चढ़ाते हुए न्यूट्रल हो गई। और भाई साहब क्या ही चढ़ेगी फिर न्यूट्रल पे, गिर गई। और इतनी भारी बाइक है यार, ऊपर से सामान टंगा हुआ है, लंका लग गई यार, क्या ही कहूँ। सांसें फूल रही हैं अब लंबी लंबी, मुझे लगा पता नहीं कैसे उठाऊंगा, किसी आने का, किसी का इंतज़ार करूं, पर उठी गई यार। पहले और दूसरे गियर के बीच में न्यूट्रल है, यहाँ तो मैं पहला डाल रहा ऊपर चढ़ने के लिए, न्यूट्रल हो गया। तो मुझे समझ नहीं आता भैया कैसे इन्होंने काम करा हुआ है इस लेवल का, लगा रखे थे लोहे के, उसकी वजह से जो टॉप बॉक्स से बच गया। हेलो बड़ी, कहाँ जा रहे हो? लेक के लिए ट्रैक है, कितना? 45 मिनट का ट्रैक है। सो गाइस ये है मोनेस्ट्री, और यही रास्ता आगे काजा निकल जाता है। चलो जी सामान रखवाते हैं। सो गाइस हम चल रहे हैं लेक की तरफ, लेक का नाम क्या था? धनकर लेक। चश्मा देखो मेरा VIP है, ये टूट गया था, भाई ने बोला पहन लो तो मैंने पहन लिया है। और ये भाई आया गुजरात से, सूरत से। अब लंका लगने वाली है थोड़ी सी, थोड़ा ट्रैक है 45 मिनट का, अब देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है ऊपर चढ़ने में। नीचे से हम आ रहे हैं काफ़ी चलते हुए,
सांस फूल रही है, पता नहीं क्यों, पता है एक्चुअली में हाई एटीट्यूड पे हैं शायद इसलिए। और अभी भी थोड़ा है, ज़्यादा बड़ा लेक नहीं है जो लोग ऊपर से आके बता रहे रिव्यू, पर हम अपना एग्जैक्टली सामने से खुद देखेंगे। 1.5-2 किलोमीटर का है, अराउंड 1.25 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं ऊपर। इस पहाड़ी के पीछे जाना है तो इनसे हमने लिया है कपूर और अदरक दिया है इन्होंने। हल्का हल्का बारिश का मौसम हो रहा है। आप कहाँ से आए हैं? आहिस्ता आहिस्ता भैया, मौसम चेंज होता नजर आ रहा है। यहाँ से अभी 1 किलोमीटर है और बारिश तेज हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। और भीगने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि अगर हम भीग के बीमार हो गए ना तो पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा आगे का हमारा। अभी अभी बहुत कुछ घूमना है और नाना करते मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। झूले 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 थैंक यू झूले झूले झूले। ये देखो हिम्मत इनकी, नीचे खाई है, ये कहाँ खड़े हैं। वाह हिम्मत है इनकी, रास्ता बनाया इन्होंने पूरा ऊपर तक। मालूम नहीं था इतना टफ हो जाएगा ऊपर आना, वर्थ इट है या नहीं है ये भी आपको दिखाते हैं। ये नज़ारा कुछ ऊपर आने के बाद, वो ऊपर तक पहाड़ी पहाड़, और शायद इसके पीछे एक छोटी सी लेक है। हाई एटीट्यूड है, ऊपर से चढ़ के आए हैं तो सांस फूल रहा है। ये कुछ अजीब से ही पेड़ से लगे हैं, पौधे से बड़े प्यारे लग रहे हैं, पता नहीं इसके अंदर क्या है। और ऐसे छोटी छोटी जगहों पे यही लगा हुआ है। लेक सूखा पड़ा है, लो कर लो बात। तो भैया ऊपर आने का हमारे साथ हो गया धोखा, लेक सूख चुकी है, पता नहीं यही लेक है क्या है। अब एक बोर्ड लगा है, वहाँ बोर्ड जाके पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये तो कुछ गहरी भी नहीं है, हमें लगा पूरी लेक ही सूख चुकी है यार। और फाइनली थोड़ी सी पानी हमारे लिए बचा हुआ है। और इस लेक के बारे में कहा जाता है ये पवित्र पानी की लेक है, नेचुरल वाटर है। और कहा जाता है कि इस लेक के अंदर मिट्टी के घर नज़र आते हैं जो उस टाइम के राजा महाराजाओं के थे। अब देखेंगे परछाई नज़र आती है या नहीं आती। ये है लेक। तो हमें लोग मिले हैं इज़राइल से। दिस इज द फर्स्ट डेस्टिनेशन योर? रामसाला, कश्मीर। ओके, मनाली। मनाली, देन कसोल। नाइस, वेरी सून वी विल कम। यस भाई, सारे आए हुए हैं। नोब शाखा, तो यहाँ इनके प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा फेटी दे, ये एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। यस यस यस, यही 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 तो चाहिए था। नो नो, तो भैया यहाँ स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, हम तो तुम्हें मालूम है सिंपल बंदे हैं, पर यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। तब तक हम लेक तक होके आते हैं, जब तक ये अपना प्रोग्राम करते हैं और लेक का नज़ारा लेके आते हैं पास से। यार ज़्यादा गहरी नहीं है, पर ये पत्थर कंपटीशन कर रहे हैं ये सारे, हम भी कर लेते हैं फिर तो। सो हमें मिले हैं इज़राइल से कुछ फ्रेंड्स, और सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी बात कर रहा था। और 3 फ्रेंड्स कॉमन है और 3 ये फ्रेंड्स यहीं मिले हैं, तो बाकी तो वो मज़े कर रहे हैं फुल ऑन। और हाय एवरीबॉडी, ये मेडिकल कर रहे हैं, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, स्टूडेंट्स है, एंजॉय करना है 1 महीने का ट्रिप है इनका। नाइस, कहते हैं मुझे कुछ गांव वालों ने बताया कि इसके अंदर ना किसी लोगों को यहाँ पे पुराने महल जो थे मिट्टी के वो नज़र आते हैं। हमें तो नज़र नहीं आ रहे फिलहाल, पर आप आ सकते हो ट्रैक करके। अराउंड 2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक है नीचे आपका धनकर मोनेस्ट्री से। ये अपने शॉट्स वगैरह दिखा रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे ड्रोन शॉट ले रखे हैं। नाइस यार, और एक भाई की बॉडी देखो, आई डोंट शो। तो यहाँ ऊपर स्तूप ही बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखो व्यू के बारे में कहूँ तो ट्रैक वर्थफुल है अगर आप आना चाहो। फिलहाल अब चल रहे हैं नीचे, नीचे मोनेस्ट्री है जिसके अंदर शूट करने नहीं देंगे। उसका देख है आपका पिंक वैली, जहाँ पे आपका स्नो लेपर्ड नजर आते हैं। मे बी टाइम से निकलते हैं और देखते हैं, अभी नीचे आने में हमें आधा घंटा लग जाएगा। थोड़ा सा मतलब टफ है अगर आपको बोलो, क्योंकि हाइट पे है ना तो सांस ज्यादा उखड़ेगी, इसलिए ध्यान रखिएगा अपना। और कपूर ले लीजिएगा, किसी ने हमें दिया था। आप लोगों का ये गवर्नमेंट जॉब है? हाँ। मतलब खुद से करते हो? हाँ, खुद से। तो पैसा देता है? तो फिर क्यों करते हो? आप लोग बताओ, मैं तभी बने सेल्फ हेल्प। मतलब फ्री सेवा? मतलब पैसा कौन देता है आपको? यहाँ पे जो आप वहाँ मतलब एज अ यहाँ की जो गवर्नमेंट वो आपकी पंचायत है वो पैसा देती है आपको? अच्छा, डॉन उड़ा सकते हैं? डॉन उड़ा सकते हैं ना? लोग उड़ाते हैं। उड़ाते हैं, चलो भैया आ जाओ डॉन। हाँ,
हम तो एक्चुअली में अपने यूट्यूब पे डालेंगे ना, आपका प्रमोट होगा और टूरिस्ट आएंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ देखो कितने अच्छी तरह बोल रहे हैं, डालो क्या बात है। तो बढ़िया यार, ये इनकी है पंचायत है वो काम करते हैं, मैं कहा लेडीज ही काम कर रही है यहाँ पे, और ये मोनेस्ट्री कह रहे हैं और ज्यादा पुरानी है। तो यहाँ चल रहा ड्रोन शॉट और ये है मोनेस्ट्री, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी है। जब भी आपका आना हो तो यहाँ मोनेस्ट्री में जरूर जाना। जो मोनेस्ट्री आपने टापू में देखी कह रहे उससे भी ज्यादा पुरानी है और बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। उसके अलावा अभी यहाँ से 7 किलोमीटर और एक मोनेस्ट्री है, मे भी शायद अगर दिन में रहा और अंदर जाने देते हैं और शूट भी करने देते हैं तो हम चलते हैं शूट करते हैं। 108 मोनेस्ट्रीज यहाँ पे एक ही टाइम पे बनाई गई थी, और जितनी भी मोनेस्ट्रीज हैं सारी मिट्टी की बनी हुई हैं, बहुत ही पुराने टाइम की। सो यहाँ पूजा चल रही है अंदर मोनेस्ट्री में, हाँ तिब्बती इनका फ्लैग अपना, काफ़ी सारे यहाँ पे तिब्बती वो रहते हैं। अच्छा यार अंदर प्रेयर चल रही है, और चलते हैं आगे। आगे एक और मोनेस्ट्री है, यहाँ से 13 किलोमीटर दिखा रहा है लालुंग। तू रोशनी तू रंग